नमस्कार, आज मैं आपके सामने फील्ड इवेंट में हॉरिजेंटल जंप्स और थ्रोज के स्कोरशीट को कैसे मारा जाता है और प्लेसेस कैसे डिसाइड करती है की जाती है ये लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी स्कोरशीट भरी जाएगी तो किन बातों का खास ध्यान रखना है। हमेशा सही एथलीट के सामने सही परफॉर्मेंस भरे, कभी भी हड़बड़ी में या किसी प्रेशर से गलत परफॉर्मेंस किसी एथलीट के सामने ना बरते, इससे बाद में जाके परेशानी होती है। 3 ट्रायल होने के बाद उनका बेस्ट जो भी परफॉर्मेंस है उसको मार्क करें और उनका रैंक डिसाइड करें कि 3 चांस के बाद कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, ऐसे करके प्लेसेस के हिसाब से चल रहा है। उनका रिवर्स ऑर्डर 3 चांस के बाद, जैसा कि हम जानते हैं कि इसको रिवर्स ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ट्रायल जो होता है, जिस क्रम में वो ट्रायल ले रहे होते हैं वो बदला जाता है, तो इसका खास ध्यान रखें कि इसको बहुत सावधानी से बनाए और सही एथलीट को सही चांस, सही क्रम में चांस दे। 3 ट्रायल के बाद आपको बेस्ट एथलीट निकालने हैं। जैसा कि हम जानते हैं अगर 8 से ज्यादा एथलीट होते हैं तो 3 ट्रायल सबको मिलते हैं और 3 ट्रायल देने के बाद इनके में से बेस्ट 8 एथलीट निकाले जाते हैं और उसको अगला 3 ट्रायल दिया जाता है। तो इसको बड़ी सावधानी से करें और बेस्ट 8 एथलीट को निकाल के अगला 3 चांस दें। अब क्या भरें, कैसे स्कोरशीट को भरें, इसका खास ध्यान रखा जाता है और विशेष प्रकार के सिंबल्स होते हैं जो आपको स्कोरशीट में भरने होते हैं। नंबर 1, अगर ट्रायल वैलिड है तो वैलिड ट्रायल में उनका परफॉर्मेंस सही सही तरीके से लिखें। यहाँ पर आपको जैसे कि एग्जांपल में दिया है कि राहुल ने 7.50 की परफॉर्मेंस दी है, यहाँ पर मीटर, सेकेंड ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप 7.50 लिखें, इतना, इससे ज्यादा कुछ और ना भरें। अगर एथलीट इनवैलिड ट्रायल करता है तो वहां पर आप क्रॉस का निशान बनाएं। अगर एथलीट डिसाइड करता है कि वो पास करना चाहता है, वो चाहता है कि इस राउंड में वो जंप ना करे या इस राउंड में वो ट्रायल ना ले, तो ऐसे समय में वहां पर आप डैश का निशान बनाएं, जिससे पता चल जाएगा कि उसने इस राउंड में पास किया था। अगर कोई एथलीट बीच कॉम्पिटिशन से एथलीट किसी कॉम्पिटिशन को बीच में छोड़ना चाहता है तो वो रेफरी को इन्फॉर्म करे और रेफरी स्कोरर को बोलेगा कि वहां पर रिटायर का निशान बनाए, जो कि छोटे आर से इंडिकेट किया जाता है। अगर कोई एथलीट सारे चांस पे फाउल कर देता है, उसके सारे राउंड्स में फाउल करता है, ऐसे समय पे वहां पे NM लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि उसने कोई भी वैलिड परफॉर्मेंस नहीं दिया है, कॉम्पिटिशन में उसका कोई भी वैलिड परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं हुआ है। अगर वो एथलीट सारे चांस में फाउल करता है तो इसमें खास ध्यान रखने वाली बात है, उसे कोई भी प्लेस अवार्ड नहीं की जाएगी। जब फाइनल लिस्ट आएगी तो वहां पर उसका फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा। अगर कोई एथलीट कंफर्मेशन करने के बाद डिसाइड करता है कि वो कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लेगा, ऐसे समय में उसके नाम के आगे DNS लिखा जाता है। इसका मतलब होता है डिड नॉट स्टार्ट। अब यहाँ पर खास कर बात यह है ध्यान रखने वाली कि अगर एथलीट किसी वैलिड रीजन के कारण इवेंट को स्टार्ट नहीं कर पाता है, इंजरी के कारण या कोई ऐसा वैलिड रीजन जो उसने पहले से इन्फॉर्म कर दिया हो कि ये वैलिड रीजन है और उसको माना जाएगा, तो ऐसे समय पे उसको कॉम्पिटिशन में अगले इवेंट में भाग लेने के क्या मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इनवैलिड रीजन, किसी बिना रीजन के वो एब्सेंट होता है, तो ऐसे में वो किसी इस कॉम्पिटिशन में, इस चैंपियनशिप में, किसी भी अन्य इवेंट में भी भाग नहीं ले पाएगा। अब रूल क्या कहता है, प्लेस कैसे डिसाइड करना, जिस भी एथलीट का हाईएस्ट परफॉर्मेंस होता है उसे इस इवेंट का विनर घोषित किया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, 2 एथलीट के या 2 से अधिक एथलीट के परफॉर्मेंस एक जैसे हो जाते हैं, ऐसे समय में उनका नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए। इसको मैं आगे आने वाले टाइम में स्कोरशीट में आपको समझाऊंगा कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस उस एथलीट का देखना है। ये स्कोरशीट है, इस स्कोरशीट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 पार्टिसिपेंट है, ABCDEFGH, इन्होंने 3-3 ट्रायल ले लिए हैं। ये मैंने 3 ट्रायल इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि ये तो नॉर्मल है, जो भी ऑर्डर डिसाइड होता है उसमें उनको उसी क्रम में ऑर्डर में चांस मिलता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ए एथलीट ने
तीनों जंप में परफॉर्मेंस उसका वैलिड परफॉर्मेंस है और उसको रिकॉर्ड किया गया है। और बी में आप देखिए कि उसने पहला जंप उसका वैलिड था तो वहां पर 6.32 लिखा है। अगले राउंड में उसने फाउल किया तो वहां पर हमने क्रॉस का निशान बनाया, और तीसरे राउंड में उसने पास किया है तो वहां पर डैश का निशान है। अब यहां पर तीन राउंड के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तीन राउंड के बाद आपको उसका बेस्ट परफॉर्मेंस मार्क करना है। तो ए का बेस्ट परफॉर्मेंस 6.24 है तो उसको हमने मार्क करके यहाँ पर लिख देंगे। बी का परफॉर्मेंस 6.32 है उसको मार्क कर देंगे। इसी प्रकार सब एथलीट के परफॉर्मेंस को आप मार्क करेंगे और उसको वहां पे लिखते जाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है ई ई ने तीनों चांस फाउल किए हैं, तो तीनों चांस फाउल किए हैं तो कोई भी उसका वैलिड परफॉर्मेंस नहीं है, इसके कारण उसको यहाँ पर हम परफॉर्मेंस नहीं लिख के एन एम लिखेंगे, क्योंकि एक भी वैलिड चांस नहीं है, एक भी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है जिसे लिखा जाए, इसलिए यहाँ पर एन एम लिखाया जाएगा। अब तीन चांस होने के बाद इनको प्लेस दी जाएगी। अब देखिए आप डी ने 6.66 किया है जो कि सबसे ज्यादा है, इसलिए वो फर्स्ट प्लेस में है। सी ने यहाँ पर 6.32 दिया है और बी ने यहाँ पर 6.32 दिया है। दोनों का परफॉर्मेंस सेम है और फिर भी सी को दो सेकेंड प्लेस और बी को थर्ड प्लेस दी गई है। तो यहाँ खास बात ध्यान देने वाली ये है कि सी ने 6.32 बेस्ट दिया, बी ने भी 6.32 बेस्ट दिया। अब इनका नेक्स्ट बेस्ट देखना है, तो सी का नेक्स्ट बेस्ट है 6.25, जबकि बी का कोई नेक्स्ट बेस्ट है ही नहीं, उसने एक फाउल किया है एक पास किया है, इसीलिए यहाँ पे सी जो है वो सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा और बी थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। अब हम एच जो है वो फोर्थ होगा, ए फिफ्थ होगा। अब देखिए आप जी और एफ का भी सेम परफॉर्मेंस है 5.42 5.42, लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एफ का, जब एफ और जी का नेक्स्ट बेस्ट देखते हैं तो जी का नेक्स्ट बेस्ट भी 5.31 है और एफ का भी नेक्स्ट बेस्ट 5.31 है। अब सेकेंड बेस्ट भी इनका सेम हो गया है तो अब हम थर्ड बेस्ट देखेंगे। थर्ड बेस्ट देखेंगे तो जी का 3.42 है जबकि एफ का फाउल है, तो यहाँ पर जी सिक्स हो जाएगा और एफ सेवेंथ हो जाएगा। इसी प्रकार ई का देखेंगे, ई ने एक भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है इसलिए इसको कोई भी प्लेस नहीं दी जाएगी, यहाँ पर डैश का निशान लगाया जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है तो आप इसको प्लेस नहीं दे सकते, क्योंकि आठ ही एथलीट है। आप सोच रहे होंगे इसको आठवां प्लेस दिया जा सकता है, नहीं, इसको आठवां प्लेस नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको प्लेस नहीं दी जाएगी। अब चांस देने की बात, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर करना है तो रिवर्स ऑर्डर में नियम कहता है कि जिस जो आठवें नंबर पे चल रहा है, जिसका सबसे कम परफॉर्मेंस है उसको सबसे पहले चांस देंगे और जो पहले स्थान पे चल रहा है उसको सबसे आखिरी में चांस देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ई ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है और इसलिए उसको सबसे पहले चांस मिलेगा, वो पहला ट्रायल लेगा, फिर सातवें नंबर वाला खिलाड़ी लेगा, फिर छठे नंबर वाला खिलाड़ी लेगा, फिर पांचवें नंबर का खिलाड़ी लेगा, फिर चौथे नंबर का, फिर तीसरे का, फिर दूसरे का और सबसे आखिरी में ट्रायल लेगा ये आठवें नंबर का। पहले नंबर जिस प्लेस चल रही है वो आठवें नंबर में ट्रायल लेगा। यहाँ पर खास रखने की बात ये है, नियम कहता है कि लास्ट राउंड से पहले भी आप रिवर्स ऑर्डर कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर छठे राउंड से पहले आप रिवर्स ऑर्डर करना चाहते हैं और ये आपने आपकी कमिटी ने डिसाइड किया है तो आप यहाँ पर भी आप इसको रिवर्स ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसी क्रम में उसको आगे के सारे चांस मिलेंगे, इस तरह से आप तीन चांस और दे देंगे और तीन चांस देने के बाद अब हम डिसाइड करनी है कि इनकी पूरे कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पर ए की बेस्ट परफॉर्मेंस 6.24 है, बी की बेस्ट परफॉर्मेंस 6.41 है, सी की बेस्ट परफॉर्मेंस 6.59 है, डी की बेस्ट परफॉर्मेंस 6.66, ई की बेस्ट परफॉर्मेंस 6.44, एफ की बेस्ट परफॉर्मेंस 5.77, जी की 6.24 और एच की 6.35। अब हम इनको प्लेसेस देंगे। अब आपको देखने वाली बात है कि यहाँ पर फर्स्ट प्लेस किसको दी गई है, 6.66 को। इसने पूरे जंप, पूरे कॉम्पिटिशन में एक ही जंप किया है वैलिड जंप और उस पर उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, इसलिए ये फर्स्ट आएगा। सेकंड बेस्ट देखेंगे हम, यहाँ पर सी है जिसने 6.59 दिया है,
जैसा कि कंपटीशन में ये सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस है इस खिलाड़ी की, तो इसको 6.590 में सेकंड प्लेस मिलेगी। थर्ड आपका 6.44 जंप करके ई को दी जाएगी। फोर्थ प्लेस 6.41 जंप किया है बी ने, तो उसको 6.41 पे फोर्थ प्लेस दी जाएगी। फिफ्थ एच है जो 6.35 दिया है। सिक्स्थ यहां जी को दी जाएगी 6.24 परफॉर्मेंस में। और यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, देखिए सिक्स्थ और सेवेंथ में आपको परफॉर्मेंस सेम लग रही है 6.24 6.24, लेकिन जब इनका सेकंड बेस्ट देखा जाएगा पूरे कंपटीशन में सेकंड बेस्ट, तो आप देखिए कि आपको जी का सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस है 5.42 और आपके ए का सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस है 5.11। तो आप देख रहे हैं सेकंड ट्रायल पे ए ने सेकंड ट्रायल पे 5.11 दिया है, जबकि जी ने अपने 5.42 ट्रायल सेकंड ट्रायल में दिया था, इन्होंने सेम ट्रायल पे ही दिया है। यहाँ पर ट्रायल का कोई वैल्यू नहीं होती, किसी भी ट्रायल पे वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता था सेकंड बेस्ट। तो यहाँ पर क्योंकि ए का 5.11 है जबकि जी का 5.42 है, इसलिए जी को सिक्स्थ प्लेस और ए को सेवेंथ प्लेस दी जाएगी, और एफ जो है उसमें 5.77 देके आठवां प्लेस उसको दिया जाएगा। तो ये सारी बारीकियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और स्कोरशीट को प्रॉपर वे में भरना है। स्कोरशीट भरने के बाद इसको रेफरी प्रॉपरली चेक करे और उस पर साइन करके इसको कंपटीशन सेक्रेटरी को के को सबमिट कर दे, ताकि उनको मेडल सेरेमनी कराई जा सके और रिजल्ट को प्रॉपरली सर्कुलेट किया जा सके। धन्यवाद।